हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीओजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। यार प्रॉब्लम ऑफ द डे आज का बहुत ही निहायत ही इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। लिंक लिस्ट, काफी दिनों से लिंक लिस्ट पे ही क्वेश्चन आए जा रहे हैं, देख सकते हो। और सबसे ज्यादा ये कंपनी में अमेजोन में ही सबसे ज्यादा, मतलब इतना तो कन्फर्म हो गया कि अमेजोन में लिंक लिस्ट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये एनालिसिस कर सकते हो। चलो यार देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, गिवन अ लिंक लिस्ट ऑफ एन नोड्स वेयर नोड्स कैन कंटेन वैल्यू 0 1s एंड 2s ओनली, द टास्क इज टू सेग्रीगेट 0 1s एंड 2s लिंक लिस्ट सच दैट ऑल 0 सेग्रीगेट टू हेड साइड, 2s एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट एंड 1 एट द मिड ऑफ द 0s एंड 2s। सेम क्वेश्चन यार एरेस का है, लीड कोड पर मिल जाएगा, जीएफजी पे भी मिल, ठीक है। लेकिन उसकी अप्रोच को हम यहां अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक से ज्यादा पॉइंटर रखते हैं और लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, एंड से कुछ स्टार्ट कर नहीं सकते, एक ही डायरेक्शन में घूमता है। इसलिए तो हमें कुछ और यहाँ पर देखना होगा, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने दिया है बिगो ऑफ एन का एक्स्ट्रा स्पेस। लेकिन हम यहाँ बिगो ऑफ एन का एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अभी बताएंगे इसका मतलब क्या है। चलो देखते हैं यार क्वेश्चन को, आगे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये हमारा वैल्यूज है, मतलब इन वैल्यूज से क्या बनेगी, एक लिंक लिस्ट बनेगी 1 2 2 1 2 0 2 2, ठीक है। यार एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है सिंपल कि हम एक टेम्प, ये क्या है मेरा हेड है और एक मैं अपना टेम्प वेरिएबल ले लूं, ठीक है, और यहां से पूरा एंड तक ट्रेवर्स करूं, ठीक है, पूरा एंड तक ट्रेवर्स करूं, 0 1 और 2 के काउंट देखता जाऊं, ठीक है, 0 1 और 2 के काउंट देखते जाऊं पूरे। उसमें 0 कितनी बार है, एक बार है, 1 कितनी बार है, 1 2 दो बार है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 पांच बार है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, एक नई लिंक लिस्ट बनाऊं, ठीक है, एक नई लिंक लिस्ट बनाऊं जिसमें पहले तो सारे 0 डाल दूं, 0 खत्म होने के बाद सारे 1 डाल दूं, 1 खत्म होने के बाद सारे 2 डाल दूं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा बिग ऑफ एन का एक्स्ट्रा स्पेस। लेकिन हम क्या करेंगे यार, हम क्यों अलग से लिंक लिस्ट लाएं और क्यों उसमें ये सारी वैल्यूज डालें, हम इसी लिंक लिस्ट में क्यों नहीं चेंज कर सकते, कर सकते हैं ना, तो हमारा स्पेस भी बच जाएगा। तो चलो कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये है कि हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, टेम्पररी वेरिएबल होगा, हमारा इसमें हेड गिवन होगा, हेड किसको डिनोट कर रहा है, अभी 1 को, ठीक है, 1 को ही करेगा, ठीक है। हम क्या ले लेंगे, बस एक हमें क्या होगा, 3 ले लेंगे, ये 0 1 एंड 2, ये 3 हम वेरिएबल ले लेंगे जिसमें 0 का काउंट होगा, 1 का काउंट होगा और 2 का काउंट होगा। हम क्या करेंगे, टेम्प वेरिएबल होगा, ठीक है, टेम्प को इनिशियलाइज कर देंगे हेड से और तब तक ट्रेवल करेंगे जब तक ये नल तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, जब तक ये नल तक नहीं पहुंच जाता इसको ट्रेवल करेंगे। क्या करेंगे, टेम्प का डेटा क्या है, 1 है, 1 है तो 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, फिर टेम्प का डेटा क्या है, 2 है, 2 में इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर टेम्प का डेटा क्या है, 2 है, 2 में इंक्रीमेंट का होकर अभी क्या हो जाएगा, 2, फिर टेम्प का डेटा क्या है, 1 में इंक्रीमेंट होकर अब क्या हो जाएगा, 2, फिर टेम्प का डेटा, टेम्प यहाँ आ जाएगा, अब क्या है, 2 है, फिर से इंक्रीमेंट होकर 3, अब क्या है, 0 है, ये सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक है, अब क्या है, 2 है, फिर से 4, अब क्या है, 2 है, फिर 5। तो हमें 0 कितने मिले, 1 मिले, ठीक है, कितने 0 मिले, 1, 1 0 मिला, 2 1 मिले और 5 2 मिले। अब हम क्या करेंगे, टेम्प को फिर से हेड से इनिशियलाइज करेंगे, टेम्प को क्या करेंगे, फिर से हेड से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। टेम्प तुम यहाँ पहुंच गए थे, अब तुम वापस आ जाओ हेड पे आ जाओ, ठीक है, अब क्या करो, तुम वापस हेड पे आ जाओ और यहाँ से शुरू करते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी 3 वाइल लूप चलेंगे, कैसे, क्या पहले क्या करेंगे, पहले सारे 0s को डाल देंगे, अभी क्या है, 0 है हमारे पास, 0 है, हाँ है, तो टेम्प के डेटा में क्या कर दो, 0 डाल दो, ठीक है, अब 0 को माइनस माइनस कर दो, अब 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, टेम्प के डेटा में क्या आ गया, टेम्प के डेटा में आ गया मेरा 0, ठीक है, मैं टेम्प को टेम्प नेक्स्ट कर दूंगा, अभी आ गया यहाँ, ठीक है, यहाँ पर क्या डालना है, अब 0 है मेरे पास, नहीं है, तो 0 खत्म हो गए सारे, 1 है मेरे पास, हाँ है, तो इसको 1 को क्या कह रहे हो, टेम्प के डेटा में 1 डाल दो और 1 को माइनस माइनस कर दो, टेम्प नेक्स्ट हो गया, अब क्या करे, 0 है, 0 तो वाला खत्म हो गया, 1 है मेरे पास, हाँ है, तो टेम्प के डेटा में क्या करो, 1 डाल दो और इसको घटा दो, अब क्या करेगा, आएगा चेक करेगा, क्या 1 है मेरे पास, नहीं है, 1 नहीं है, अब ये भी खत्म हो गया, क्या करेगा, चेक करेगा, 2 है मेरे पास, हाँ है, तो इसकी डिक्रीमेंट करो, 2 को यहाँ डालो, ठीक है, फिर इसको डिक्रीमेंट करेंगे, 2 को यहाँ डालेंगे, ठीक है, फिर इसको डिक्रीमेंट करेंगे, 2 को यहाँ डालेंगे, फिर डिक्रीमेंट करेंगे, 2 को यहाँ, फिर डिक्रीमेंट करके 2 को यहाँ, हमारा आंसर क्या आया, 0 1 1 2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ यही मेरा आंसर है, हाँ यही मेरी अप्रोच भी होगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल कोड होगा, बहुत ही सिंपल कोड है। क्या करना है, पहले तो एक नोड ले लिए ने, जो हमारा क्या होगा, टेम्प हुआ, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड,
ठीक है। अब एक होगा इंट जीरो, ठीक है, इंट जीरो इज इक्वल टू जीरो, वन इज इक्वल टू जीरो और टू इज इक्वल टू जीरो। अभी सबको क्या कर दो, जीरो से इनिशियलाइज कर दोगे, कुछ नहीं है। अब क्या, वाइल टेम्प, जब तक मेरा टेम्प है, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मेरा काउंटिंग चलता रहेगा। अगर मेरा इफ टेम्प का डेटा, अगर मेरा टेम्प का डेटा इक्वल इक्वल जीरो है तो मुझे किसको इंक्रीमेंट करना है कि जीरो को, ठीक है। एल्स इफ अगर मेरा टेम्प का डेटा इक्वल इक्वल वन हुआ, अगर मेरा टेम्प का डेटा इक्वल इक्वल क्या हुआ, वन हुआ, तो मुझे किसको इंक्रीमेंट करना है अपने वन को, ठीक है। नहीं तो कौन इंक्रीमेंट हो रहा होगा, वो जीरो नहीं है, वन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो टू होगा, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। अब फिर से मुझे क्या करना है, टेम्प को फिर से हेड पे ले आओ, टेम्प इज इक्वल टू हेड, ठीक है। अब टेम्प इज इक्वल टू हेड आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा, बस मुझे क्या करना है, सारे जीरोस को डालना है, वाइल जीरो माइनस माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, टेम्प के डेटा में, टेम्प के डेटा में क्या डालूंगा, टेम्प के डेटा में हो जाएगा मेरा जीरो, और टेम्प को आगे बढ़ा दूंगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, ठीक है। अब यही चीज मुझे किसके लिए करनी है, वन के लिए भी करनी है और टू के लिए भी करनी है। यहाँ क्या आ जाएगा, वन, यहाँ भी वन सेम, ठीक है। अब यहाँ भी किसके लिए, टू, यहाँ टू के लिए करना है, पी डब्ल्यू फोर टू टेम्प के डेटा में टू टेम्प, और रिटर्न बाद में क्या कर देना है, रिटर्न हेड कर देना है, क्योंकि हमने उसी लिंक लिस्ट में चेंजेस किए हैं, सही है। और यहाँ यहाँ पर हमने क्या किया, काउंट तो कर लिया, टेम्प को टेम्प नेक्स्ट नहीं किया, ठीक है, टेम्प टू टेम्प नेक्स्ट, ठीक है। अब इसको कंपाइल रन करते हैं, कंपाइल हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया है यार। इतना ही सिंपल था आज का प्रॉब्लम, तो चलिए यार, चलो यार, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट कि यार आपको समझ आ गया है। चलिए यार, इसी के साथ रैप अप करते हैं, थैंक यू।